A sensational case has been reported from Madhya Pradesh about an acid attack on two school children in the village of Ganaisarai in Dindori district. The victims have been admitted to the district hospital for treatment. Both of the girls were returning home after giving the class 11th examination when two motorcycle riders abruptly threw acid on them and fled. वो पेपर दे के जा रहे थे सर गाड़ासरी से लिखनी दोनों लड़की तो बाइक में दो लड़के थे एक वो बांधा था नकाब बांधा था पीछे वाला और आगे वाला हेलमेट लगाया था दोनों बच्ची के ऊपर तेजाब डाल के चले गए कुछ दूर तक पीछे किए लेकिन उनका कोई पता नहीं चला गाड़ासरी हायर सेकेंडरी स्कूल से दो बच्चियाँ परीक्षा दे के घर जा रही थी ये मझिया कार के पास इनके साथ दो लड़कों ने बाइक में और लाल कलर की मोटरसाइकिल बताया जा रहा है और जो चला रहा था मोटरसाइकिल वो हेलमेट पहना हुआ था और पीछे जो बैठा था वो लड़का सर में काले रंग का कपड़ा बांधा हुआ था और मोटरसाइकिल जो नंबर प्लेट थी उस पर कपड़ा बांधा हुआ था इन दोनों लड़कों के द्वारा उस पर जो है एसिड की अटैक की गई है और अभी इसमें कुछ इनपुट मिला है आरोपियों का उनका पीछा जो है गाड़ासरी की पुलिस कर रही है और संभवतः जो है इनसे आरोपियों को पता चलने की पूरी संभावना है अभी तत्काल जो है कुछ पीड़ित लड़कियों को जिला चिकित्सालय डिंडोरी में उपचार कराया जा रहा है अभी ठीक है।